मगर प्रभाग चार की हद में इस वक्त दर्जनों अनधिकृत बांध काम शुरू है। आपने इससे पहले एक वीडियो में देखा होगा भिवंडी शहर के फाल्कन होटल के पास, अल्फा कम्प्लेक्स इसके अंदर, या इस तरह के ऐसे कई ठिकाने प्रभाग चार की हद में है जहाँ धूमधाम से अवैध बिल्डिंगें बनाने का काम चल रहा है और संडे संडे यहाँ स्लैब भी डाला जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नौ घर अनधिकृत है, मैं भी मानता हूँ, सभी मानते हैं, तो क्या ये जो बिल्डिंगें बनाकर बिल्डर बेचकर निकल जाएगा और जिनका उसमें पैसा लगेगा, जो रहने जाएंगे, उस परिवार को आने वाले दिनों में जो तकलीफें उठानी पड़ेगी, तो इसकी जिम्मेदारी प्रभाग चार की अधिकारियों की है या महानगर पालिका से संबंधित दूसरे अधिकारियों की है? नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका प्रभाग चार की। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ यही है भिवंडी शहर का प्रभाग चार। प्रभाग चार फिलहाल इसलिए चर्चे में है कि महानगर पालिका ने नौ घर, इसी महानगर पालिका प्रभाग चार की दीवार से लगकर पीछे एक रोड है, रोशन बाग इलाका है, तोड़ दिया है, इसलिए ये प्रभाग ज़्यादा चर्चे में है। यहाँ के अधिकारियों का ऐसा मानना है कि जो ऊपर से ऑर्डर है वो हमने किया और यही सही भी है, ऑर्डर ऊपर से ही आता है। बहरहाल नौ घर को लेकर भिवंडी शहर में जो राजनीति शुरू हो गई है, राजनीति ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व नगर सेवक हैं, क्योंकि भिवंडी शहर में नगर सेवकों की बॉडी अब नहीं है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी जो नगर सेवक हैं या कांग्रेस से भागकर राष्ट्रवादी में गए वो नगर सेवक, जो है सब कुछ मिलाकर ये नौ घर को लेकर जो राजनीति हो रही है, आज से एक दिन पहले यहाँ निजामपुर शहर महानगर पालिका के मुख्यालय में आयुक्त के साथ नौघर को लेकर बैठक भी हुई और इसमें इस क्षेत्र के, उनकी माता नगर सेविका हैं इरफान हदीस अंसारी, साथ ही वसीम अंसारी, ये दोनों लोग भी मौजूद थे। मीटिंग जैसे ही शुरू हुई तो पहले इरफान हदीस अंसारी का पहले इनको विरोध निकाला जाए, इस बात को लेकर आयुक्त ने खुद मना किया कि ये गलत है, लोगों ने भी अपना विरोध जताया। बहरहाल बात कर लेते प्रभाग चार की हद में चल रहे अनधिकृत बांध काम। अगर ये नौ घर जो तोड़े गए हैं तो ये अनधिकृत है, तो चलिए उनके साथ जो नियम के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से हो, वो कार्रवाई होगी, वो एक अलग बात है, मगर प्रभाग चार की हद में इस वक्त दर्जनों अनधिकृत बांध काम शुरू है। आपने इससे पहले एक वीडियो में देखा होगा भिवंडी शहर के फाल्कन होटल के पास, अल्फा कम्प्लेक्स इसके अंदर, या इस तरह के ऐसे कई ठिकाने प्रभाग चार की हद में है जहाँ धूमधाम से अवैध बिल्डिंगें बनाने का काम चल रहा है और संडे संडे यहाँ स्लैब भी डाला जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नौ घर अनधिकृत है, मैं भी मानता हूँ, सभी मानते हैं, तो क्या ये जो बिल्डिंगें बनाकर बिल्डर बेचकर निकल जाएगा और जिनका उसमें पैसा लगेगा, जो रहने जाएंगे, उस परिवार को आने वाले दिनों में जो तकलीफें उठानी पड़ेगी, तो इसकी जिम्मेदारी प्रभाग चार की अधिकारियों की है या महानगर पालिका से संबंधित दूसरे अधिकारियों की है? इसलिए तत्काल इन बिल्डिंगों पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। मैं अरविंद जायसवाल के साथ खान पकड़ा लूँ। उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार का लाल तेल चोट मोच दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदोस परफ्यूमर्स, बागे फिरदोस मस्जिद के पास, चौथा निजामपुर, भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर।